दिल्ली में उन्होंने अपना टाइम जो है निकाला। ये सब लोग झूठ की राजनीति करते हैं। काजी जी की पूरी टीम यहाँ काम कर रही थी और काजी जी खुद जो मामला काजी जी के स्तर का होता था खुद आगे निपटाते थे। कोई ऐसा मामला नहीं है। काजी जी को पार्टी ने बड़ा पद दिया है तो वो तो राजस्थान की क्या पूरे हिंदुस्तान की राजनीति करने लायक इंसान है। क्या नाम है आपका? नफीस जी, क्या कहेंगे इस बार, किसे देखेंगे, हाजी जी को या काजी जी को? काजी निजामुद्दीन को। क्या नाम है आपका? परवेज नंबरदार। परवेज जी, काजी जी को क्यों देखना चाहते हैं? काई जी में क्वालिटी जी, यूँ देखना चाह रहे काई जी को। काई जी पढ़े लिखे हैं, राजस्थान तक को चलेगा, ये मंगलोर से बाहर भी लेकर जानते। ठीक, तो इनका कहना है कि काजी जी जो है राजस्थान तक चले गए और हाजी जी जो है मंगलोर से बाहर जाना भी नहीं जानते, ये उनकी क्वालिटी है। आपका क्या नाम है? प्रद्युमन अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या कहेंगे जो भाई साहब कह रहे हैं कि काजी जी जो है राजस्थान तक पहुँच गए और हाजी जी मंगलोर से बाहर नहीं जाते, क्या कहेंगे? जो कहे बिल्कुल ठीक बात है बिल्कुल ठीक बात है। हमारे काजी जी का दूसरा नाम विकास पुरुष भी समझ लो, विकास पुरुष भी हैं वो हमारे। वो विकास, ये देख लो, जयपुर, राजस्थान और मंगलौर एक का रखा था उन्होंने हर समय, मतलब एक पैर उनका हमारा था। यहाँ की समस्या सोल्व करते थे, वहाँ की समस्या सोल्व करते थे। तो क्या इस बार काजी जी हाजी मतलब प्रचंड बहुत जो मतलब वो सरकार बनाएंगे? सरकार किसकी बनवा रहे हैं? सरकार तो हमारी कांग्रेस की बनेगी आपकी बार। हरीश रावत जी हमारे मुख्यमंत्री जी होंगे और हमारे जो काजी जी हैं तो हैं। तो ये हमारे साथ थे मंगलौर के कुछ लोग। हमने माहौल जाना कि मंगलौर का माहौल क्या है। ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर काजी निजामुद्दीन को विकास पुरुष कहा जाता है और इस बार 2022 में भी काजी जी यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार।